सिगरेट छोड़ और विमल खा। हीरागिरी, ये पीने में नहीं है, विमल खाने में। लगता है कि आज फिर विमल चबा के आया है। अजय का बस करे तो पूरे हिंदुस्तान को जुबान केसरी बना दे। कनपुरिया है, हरामी है, विमल खाता है। विमल चबाने से एक कैंसर होता है, टट्टो का कैंसर होता है। सुना, टट्टो का कैंसर होता है। कभी किसी ने कहा है कि गुटखा खाने से खड़ा होता है? नहीं, क्योंकि गुटखा खाने वालों से फ्रेंच किस होती ही नहीं। लेकिन एक नशा तो होता है। अरे विमल के नशे को भूल, खाई हुई पुड़िया को भूल जा। जुबा केसरी है, ये भी जुबा केसरी है। अरे लौड़े, यहाँ तो सभी जुबा केसरी है। साथी, कौन है सच्चा साथी? जो साथ निभाए सही राह दिखाए, वही है सच्चा साथी। लेकिन कुछ झूठे साथी ऐसे भी होते हैं जो आपकी दोस्ती सिगरेट, शराब या फिर गुटखा से करवाते हैं। और जब आप कैंसर जैसी घातक बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं, तो वही झूठे साथी आपको अस्पताल में खाना भी खिलाते हैं। आज मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे सच्चे साथी से, जिससे खाओगे तो शायद अस्पताल जाने से बच जाओगे। विमल, बोलो सुबह की सुबह। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। बापू भैया, ये कमीना हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिस बाप की कोख से जन्म लिया, उसी को धोखा दे रहा है ये कमीना। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं कर, गलत काम है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं। झूठ बोल रहा है। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। भाई, मेरे दिमाग में तो एक आइडिया है। क्या? हम ये विमल खुद नहीं बेचेंगे। हाँ। बल्कि इसे किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर से प्रमोट करवा कर जिंदगी भर बैठ के रॉयल्टी खाएंगे। या हम गुटखा खा नहीं सकते, कम से कम इन एक्टर से भिजवा तो सकते हैं। जरूर। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। रे बाबा, रे बाबा, रे देवा, देवा, देवा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। क्या मायला? बाबू भैया, छोड़ना मत इसको, मर्डर कर। विमल, बोलो जुबान केसरी। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बाप बीमार, अंदर गान पटी पड़ी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है, ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये विमल के पैकेट पे जुबा केसरी। हसमा, 2 सिगरेट के पैसे से विमल का बड़ा पैकेट आ सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते। सिगरेट छोड़ और विमल खा। हीरागिरी, ये पीने में नहीं है, विमल खाने में है। विमल, बोलो जुबा केसरी। क्या हो गया इसको? बचाओ, बचाओ, चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ, बचाओ, बेवकूफ, बचाओ। कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ, बचाओ। कौन हूँ मैं? ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुलेआम सबको गुटखा थूक के सबको बीमारी देने की कोशिश कर रहा है ये। सॉरी, वो आदत पड़ी। गुटखा मत थूक, बीमारी थूकने से फैलता है थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी गुटखा थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर, गुजरात में एंटर होने वाले सभी रास्तों पर पुलिस खड़ी है। इस बार विमल का ट्रक तो आ ही नहीं सकता। जब तक अजय के विमल का ट्रक मिलता नहीं, कोई पोस्ट छोड़ के ही लेगा। सर, विमल बेचना है तो आना पड़ेगा साले को। एक विमल 25 रुपए वाला। बाल बच्चे दार हैं मुझे, आपसे पैसा लेंगे तो जुत्ता से मारेगा मालिक। ऊपर चढ़ के चक्कर। विमल का ट्रक तो छोड़ो साले, गुटखा तक अंदर नहीं आ सकता। इंदौर हाईवे से लॉक है।
उमरगांव बंद है, डूब गए रहे सिया। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान कैसे? हीरा बेटे, सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।